वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 3 का पार्ट 10 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट मेन्यू के बारे में। और पिछली कुछ वीडियो में हमने फाइल, एडिट, व्यू और इंसर्ट मेन्यू के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मेट मेन्यू है, इसमें हमें टेक्स्ट के अंतर्गत जो कमांड्स मिलने वाले हैं वो सारे हमारे फॉर्मेटिंग बार में आपको मिल जाएंगे, जिसके बारे में हमने एक पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है, तो वहां से आप इसको समझ सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप इसे बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ इनका रिविजन कर लेते हैं। तो हम जैसे किसी लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट में चलते हैं। टेक्स्ट के अंतर्गत हमारी पहली कमांड है बोल्ड, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B। इसकी सहायता से हम अपने अक्षरों को बोल्ड कर सकते हैं, यानी जो हमारे लिखे हुए अक्षर हैं वो मोटे हो जाएंगे। फिर फॉर्मेट में चलते हैं। टेक्स्ट में अगली कमांड है इटैलिक, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+I। इसकी सहायता से हम अपने वर्ड्स को हल्का सा तिरछा कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में टेक्स्ट की अगली कमांड है सिंगल अंडरलाइन, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+U। इसके ऊपर क्लिक करके हमें लाइन के नीचे एक अंडरलाइन दे सकते हैं। फिर फॉर्मेट में चलते हैं। टेक्स्ट के अंतर्गत अगली कमांड है हमारे पास डबल अंडरलाइन, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+D, जिसकी सहायता से हम अपने लाइन के नीचे डबल अंडरलाइन दे सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आप बोल्ड हैं तो बोल्ड यहाँ से हटा सकते हैं, इटैलिक कर रखे हैं तो इटैलिक भी हटा सकते हैं, और अंडरलाइन लगा रखा है तो अंडरलाइन भी यहाँ से हटा सकते हैं। फिर फॉर्मेट के अंतर्गत हमारे पास अगली कमांड है स्ट्रिक्ट हो। इसके लिए हम लाइन को सेलेक्ट कर चुके हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बीचों बीच आपको एक लाइन खींची हुई मिलेगी इस तरीके से। इसको हटाने के लिए फिर से हमें टेक्स्ट में जाना होगा और फिर से स्ट्रिक्ट थ्रो करना होगा, तो ये लाइन हट जाएगी। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड्स है ओवरलाइंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे अंडरलाइन हमारे ठीक लाइन के नीचे खींची जाती है, ऐसे ही ओवरलाइन हम अपने लाइंस के ऊपर खींच सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट में हमारे पास टेक्स्ट के अंतर्गत अगली कमांड्स है सुपरस्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+P। और उसके अगली कमांड है सबस्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+B। तो ये आपको कमांड्स यहाँ पर भी अवेलेबल मिल जाएंगे। ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट है और ये हमारा सबस्क्रिप्ट है। इसको करने के लिए यहाँ पर जैसे H2O लिखा हुआ है, इसमें हम 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस 2 को हम अगर सुपरस्क्रिप्ट वर्ड बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे, तो देखिए हमारा 2 सुपरस्क्रिप्ट वर्ड बन चुका है। यहाँ से भी इसे हम हटा सकते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं और टेक्स्ट के अंतर्गत अगली कमांड हमारे पास है सबस्क्रिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा 2 था वो सबस्क्रिप्ट वर्ड बन चुका है। यहां से भी इसे हम हटा सकते हैं और यहां से भी इसे हम लगा सकते हैं, तो ये कमांड्स आपको बाहर भी अवेलेबल मिल जाएंगी। फिर हमारे पास फॉर्मेट में अगली कमांड्स है टेक्स्ट के अंतर्गत शैडो, तो शैडो करने के लिए हम एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ फॉर्मेट में चलते हैं। टेक्स्ट के अंतर्गत शैडो पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर नीचे शैडो दिखाई पड़ेगी। अगर आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़ने लग जाएगी। फिर फॉर्मेट में टेक्स्ट के अंतर्गत अगली कमांड है हमारे पास आउटलाइन, तो इसके लिए भी जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं और टेक्स्ट के अंतर्गत यहाँ पर हम आउटलाइन पर यूज करते हैं, आउटलाइन का यूज करते हैं, तो देखिए हमारा जो वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है उसका फिल कलर गायब हो चुका है और सिर्फ लाइन कलर ही बचा है, जिससे कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई पड़ेगा। तो आप इस तरीके से अपने कीबोर्ड द्वारा लिखे अक्षरों को भी आउटलाइन में लिख सकते हैं। फिर फॉर्मेट के अंतर्गत टेक्स्ट की अगली कमांड हमारी है इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज, इसके शॉर्टकट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसकी सहायता से हम फॉन्ट के साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ से भी आप फॉन्ट का साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके लिए हमें लाइन को सेलेक्ट करना होगा। देखिए इसका साइज 16 PT में है, तो हम फॉर्मेट में चलते हैं और टेक्स्ट के अंतर्गत हमारे पास इंक्रीज साइज है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसका साइज 18 PT में कन्वर्ट हो चुका है। इसको फिर से डिक्रीज करने के लिए टेक्स्ट में जाना होगा और यहाँ पर डिक्रीज साइज करना होगा। देखिए फिर से ये 16 PT में वापस हट चुका है। फिर से हम चलते हैं टेक्स्ट के अंतर्गत, हमारे पास अगली कमांड्स है यहाँ पर अपर कैश, लोअर कैश, साइकिल कैश, सेंटेंस कैश, कैपिटलाइज एवरी वर्ड्स और टुगल कैश। ये हमारे राइटिंग करने के बाद भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कैपिटल लेटर में लिख रखा है, उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो लोअर कैश यूज कर लेंगे। इसे हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ फॉर्मेट में चलते हैं और टेक्स्ट के अंतर्गत यहाँ पर अगर हम अपर कैश यूज करते हैं तो हमारे सारे वर्ड्स जो होंगे वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अगर इन्हीं वर्ड्स को हमें स्मॉल लेटर में लेना होगा तो टेस्ट के अंतर्गत हम यहाँ पर लोअर केस यूज करेंगे, तो ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो हमारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से फॉर्मेट में चलते हैं और टेस्ट के अंतर्गत हमारी अगली कमांड्स है साइकिल कैश। इसके ऊपर क्लिक करते ही हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर हो जाएगा इस तरीके से। फिर फॉर्मेट में चलते हैं और टेस्ट के अंतर्गत हमारी अगली कमांड है सेंटेंस कैश। तो हर सेंटेंस का सिर्फ पहला वर्ड कैरेक्टर ही कैपिटल लेटर होगा, तो वो चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर फॉर्मेट में हमारे पास टेक्स्ट में अगली कमांड्स है कैपिटल एवरी वर्ड्स। तो यहाँ पर क्लिक करते ही फिर से हम अपने वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में पा सकते हैं। फिर फॉर्मेट में टेक्स्ट में हमारे पास अगली कमांड है टुगल कैश। इसकी सहायता से हम अपने वर्ड के प्रत्येक पहले कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कैश अवेलेबल है, तो जो हम अपनी सुविधा अनुसार यहाँ से लगाना चाहते हैं उसे यहाँ से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगली कमांड है लाइन स्पेसिंग की, जिसमें हमारे पास लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग और इंडेंट यहाँ पर मौजूद है। इसको चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर टू लाइन्स को सेलेक्ट करना होगा और फॉर्मेट में चलते हैं। स्पेसिंग के अंतर्गत हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा लाइन स्पेसिंग 1.5। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्पेस कुछ इस तरीके से बढ़ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अगर स्पेसिंग में जाएंगे तो और लाइन की स्पेसिंग और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके हम लाइन की स्पेस और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अगर इनकी लाइन की स्पेस नॉर्मल करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे, स्पेसिंग में जाकर लाइन स्पेसिंग 1 कर देंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। फिर अगली हमारी कमांड्स है फॉर्मेट के अंतर्गत स्पेसिंग में पैराग्राफ स्पेसिंग। ये हमें कमांड्स यहाँ पर भी मिल जाएंगे, तो ये हमारा लाइन स्पेसिंग है और ये हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग है। इसको चेक करते करेंगे, जैसे पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए हमें इन दो पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करना होगा। तो पैराग्राफ जहां से हमने एंटर यूज किया होता है वहां से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, तो इन दो पैराग्राफ्स के बीच की ये जो दूरी है इसे हम बढ़ा सकते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं और स्पेसिंग के अंतर्गत यहां से इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच की जो स्पेस है थोड़ा सा बढ़ चुकी है। इसको फिर से वापस हम करना चाहते हैं तो स्पेसिंग में जाके डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग कर देंगे तो देखिए फिर से वापस स्पेस नॉर्मल हो जाएगा। फिर फॉर्मेट के अंतर्गत हमारे पास स्पेसिंग के अंतर्गत अगली कमांड है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास तीन प्रकार के इंडेंट होते हैं, ये हमारा राइट इंडेंट है, ये हमारा नीचे वाला लेफ्ट इंडेंट है और ऊपर वाला हमारा ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। तो जैसे हम यहाँ फर्स्ट लाइन को हम पीछे खिसकाना चाहते हैं तो हमें ऊपर वाले को इस तरीके से खींचना होगा जिससे हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो जितना हम चाहे उतने पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है, इसको फिर से वापस करके हम अपनी लाइन को पुनः बराबर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें इस कमांड को यूज करना तो यहाँ से कर सकते हैं। स्पेसिंग में जाकर अगर यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो ये पूरा हमारा लेफ्ट इंडेंट जो है वो आगे की तरफ बढ़ चुका है। इसी तरीके से हम राइट इंडेंट को आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी खिसका सकते हैं। और यहाँ पर हमें इसे फिर से अपनी पोजिशन पे लाने के लिए फॉर्मेट में जाना होगा और स्पेसिंग में जाकर फिर से डिक्रीज इंडेंट करना होगा ताकि ये अपनी पोजिशन पे वापस आ सके। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है अलाइन टेस्ट, जिसके अंतर्गत हमारे पास ये सारे अलाइनमेंट मिल जाएंगे आपको। ये आपको अलाइनमेंट यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये अलाइनमेंट कैसे यूज करते हैं इसको देख लेते हैं। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल, सेंटर का होता है कंट्रोल प्लस ई, राइट का होता है कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई का होता है कंट्रोल प्लस जे। इसको यूज कैसे करेंगे तो यहाँ पर नीचे आते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट इंडेंट लगा हुआ है इसलिए हम लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं। यहाँ पर भी देखो रेडी है। फॉर्मेट में चलते हैं, अलाइनमेंट यहाँ से बदल देते हैं। जैसे हम सेंटर अलाइनमेंट रेडी करते हैं तो देखिए जब हम एंटर यूज करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो सेंटर में ही रहेगा और हम सेंटर में ही लिखेंगे तो ये मैटर सेंटर में लिखता रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट में अगली अलाइनमेंट है राइट, तो हम इससे राइट साइड से ऐसे लिख सकते हैं, तो आप इस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली अलाइनमेंट है जस्टिफाई, जिसकी सहायता से हम दोनों साइडों से बराबर करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक पैराग्राफ यूज करना होगा। जैसे ये दोनों पैराग्राफ आगे पीछे हैं तो हम इन दो लाइंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ अलाइनमेंट टेक्स्ट के अंदर जस्टिफाई कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बराबर होके लिखेगा, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर अलाइनमेंट टेस्ट के अंतर्गत हमारे पास नीचे और अलाइनमेंट है, इनको यूज करने के लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स खींचना होगा। तो जैसे हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स खींच लिया तो आप देख रहे हैं जैसे इसका जो यहाँ पर कर्सर है ये यहाँ पर टॉप पे है, हम टॉप पे लिख सकते हैं।
इसी तरीके से हमें सेंटर से या बॉटम से लिखना है, तो यहाँ फॉर्मेट में हमारे पास ये कमांड्स हैं, तो फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पर अलाइनमेंट टेस्ट के अंतर्गत यहाँ टॉप लगाई हुआ है तो सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए ये सेंटर में लिखने लग गया है। फिर फॉर्मेट में चलते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट के अंतर्गत अगर हम बॉटम कर देते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत यहाँ बॉटम में लिखना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अलाइनमेंट टेस्ट जो ऊपर वाले हैं ये हमारे वर्कशीट पर यूज होंगे और नीचे की ये जो तीन अलाइनमेंट्स हैं ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज होंगे, आप इनका ध्यान रखिएगा। फिर उसके अगली कमांड से हमारे पास लिस्ट, तो इसके लिए हमें कुछ लाइनों को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम इन लाइनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पर लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पर बुलेट्स लिस्ट लगाना चाहते हैं जिसका शॉर्टकट है Shift+F12, तो इसकी सहायता से हम आगे यहाँ पर बुलेट्स लगा सकते हैं। ये यहाँ पर आपको बाहर भी मिल जाएंगे फॉर्मेटिंग बार के अंतर्गत, तो आप यहाँ से कोई भी और भी बुलेट्स अगर चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से चेंज करके लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली कमांड है लिस्ट के अंतर्गत नंबरिंग लिस्ट, तो यहाँ से आप नंबर लगा सकते हैं। इससे संबंधित कमांड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप जो भी नंबर्स यूज करना चाहते हैं ये सारे कमांड्स आपको यहाँ पर लिस्ट के अंतर्गत अवेलेबल है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से मूव डाउन मूव अप और ये सभी नंबरिंग्स को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं और नंबर्स ऑफ भी कर सकते हैं, इनके लेवल भी अप डाउन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर अगली कमांड से हमारे पास क्लोन फॉर्मेटिंग की, तो क्लोन फॉर्मेटिंग कैसे यूज करते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे हम इस लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक कलर इसके ऊपर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, तो ये हमने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं और क्लोन फॉर्मेटिंग की सहायता से इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, तो जहां पर भी क्लिक कर देंगे आपको उसका पूरा फॉर्मेट उसके ऊपर कॉपी हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं फॉर्मेट में, अगली कमांड्स है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+M, ये आपको कमांड्स यहाँ पर भी अवेलेबल मिल जाएगी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हमें इस लाइन को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से फॉर्मेट में जाकर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है उसमें चला जाएगा और डिफॉल्ट साइज में कन्वर्ट हो जाएगा और डिफॉल्ट कलर में चला जाएगा। फिर उसके बाद अगली कमांड से हमारे पास कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत हमें यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग फॉन्ट की मिलेगी जिसमें हम अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इस लाइन का, यहाँ से हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 16 कर दिया है। फॉन्ट इफेक्ट में अगर हम चाहे तो यहाँ फॉन्ट कलर भी यूज कर सकते हैं, जो भी हम कलर यूज करना चाहते हैं। उसका ट्रांसपेरेंसी कलर कितना रखना चाहते हैं, ओवरलाइनिंग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं, स्ट्रिप थ्रो यहाँ लगाना चाहते हैं, अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, उनसे संबंधित कलर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। पोजीशंस के अंतर्गत चाहे तो हम सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट वर्ड बना सकते हैं, कितने डिग्री पर घुमाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और लाइंस के बीच जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं उनकी स्पेसिंग हम ज्यादा कम करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा वर्ड्स और करेक्टर्स के बीच स्पेसिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे सैंपल में देख सकते हैं, इस तरीके से इनके बीच स्पेसिंग बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद है हाइपरलिंक, यहाँ पर हम कोई भी यूआरएल लिख के इस लाइन के ऊपर हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। हाइलाइट्स में जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी कलर अगर लाइन के पीछे हम जोड़ना चाहते हैं तो उसे जोड़ सकते हैं। बॉर्डर में चलते हैं तो यहाँ से हम चाहें तो कोई भी बॉर्डर यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ये बॉर्डर ले लिया यहाँ से बॉर्डर लाइन स्टाइल मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ से इस बॉर्डर को लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, यहाँ से आप कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर ले लेंगे, यहाँ से आप शेडो स्टाइल भी यूज कर सकते हैं जिस प्रकार की आपको शेडो स्टाइल पसंद हो, और यहाँ पे आपका जो उस लाइन से संबंधित मार्जिन है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों मार्जिन आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से लाइन की विड्थ आप मोटी कर सकते हैं लाइन को और यहाँ से पतला भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये जितनी चीजें हमने अप्लाई की हैं देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये हमारा एक बॉक्स के अंतर्गत आ चुका है, इसमें कलर भी फिल हो चुका है और ये इसका फॉन्ट जो है वो भी कलर हो चुका है और ये इसका साइज भी इंक्रीज हो चुका है। इसको हटाने के लिए हमें फिर से इसको सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा और कैरेक्टर्स में जाना होगा। यहाँ पर आपको फॉन्ट से शुरू करना है, इसे नॉर्मल करने के लिए फिर से हमें यहाँ पर 12 पर क्लिक करना होगा। फॉन्ट इफेक्ट में जाकर यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक करना होगा। पोजीशंस में जाते हुए यहाँ पे नॉर्मल है ही, हाइपरलिंक हमें लगाया नहीं था। हाइलाइट्स में यहाँ पे नन करना होगा, बॉर्डर में भी हमें यहाँ पर नन करना होगा और शेडो को भी नन करना होगा। तो जब आप ओके करेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल पाएंगे इसे। फिर उसके बाद है पैराग्राफ्स, जिस प्रकार हमने करेक्टर्स एक लाइन पर यूज किए उसी तरीके से हम पैराग्राफ पर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट में चलते हैं और पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करते हैं।
आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर इंडेंट स्पेसिंग में आपको बिफोर टेक्स्ट कितना छोड़ना है, आफ्टर टेक्स्ट कितना छोड़ना है, ये हमारे इंडेंट है। फर्स्ट लाइन आपको कितना छोड़ना है, जैसे इंडेंट के बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो वो चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एबो पैराग्राफ आपको कितनी स्पेस चाहिए, बिलो पैराग्राफ को स्पेस कितनी चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अलाइनमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर आप पैराग्राफ जस्टिफाई करके लिख रहे हैं, सेंटर राइट लेफ्ट किस तरीके से लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट फ्लो में यहाँ पर ऑटोमेटिकली में आप इस तरीके से इनको भी चेक कर सकते हैं, आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं। आउटलाइन नंबरिंग में भी आप यहां से बॉडी लेवल लगा सकते हैं। आपको टैब मिलेगा, यहां पे आप टैब की पोजीशन सेट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप, यहां से आप ड्रॉप कैप वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपका जो पहला वर्ड है आपके पैराग्राफ का, आप उसको कितने लाइन्स तक ड्रॉप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेट करेंगे, और आप कितने वर्ड्स को ड्रॉप करना चाहते हैं उनका नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे, और यहाँ सैंपल में आप देख भी पाएंगे। कुछ तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। बॉर्डर में चलते हैं, यहाँ से आप एक बॉर्डर यूज कर सकते हैं, और यहाँ से आप उस बॉर्डर का भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वो ले लीजिएगा, कलर यहाँ से ले सकते हैं। शेडो स्टाइल में आप इस तरीके से यहाँ से शेडो ले सकते हैं। एरिया में चलते हैं, तो यहाँ से आप कलर, ग्रेडिएंट कलर, बिट मैप, पैटर्न, ये सभी चीजें यहाँ यूज कर सकते हैं। और उनकी ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है, तो आप यहाँ से उसे यूज कर सकते हैं। ओके कर देते हैं, तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। तो ये हमारा ड्रॉप का वर्ड है जो दो लाइनों को ड्रॉप कर रहा है, और तीसरी लाइन ठीक इसके नीचे से लिखी हुई है। इसके नॉर्मल पोजीशंस पे जाने के लिए हमें फिर से इसे सेलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा, पैराग्राफ्स में जाना होगा। तो हमने जो चीजें जिस तरीके से बढ़ाई हैं हमें वहां से उन्हें हटाना होगा। तो बॉर्डर में यहाँ से बॉर्डर को नन कर देते हैं, ड्रॉप कैप भी यहाँ से हम हटा देते हैं। टैब्स नॉर्मल था, आउटलाइन भी नॉर्मल था, टेक्स्ट फ्लो भी नॉर्मल था, अलाइनमेंट हमने लेफ्ट लगा दिया था, इंटेंडेड स्पेसिंग हमने नॉर्मल रखी थी, ओके कर देते हैं। देखिए हमारा टेक्स्ट जो है फिर से नॉर्मल हो चुका है। फिर उसके बाद अगली हमारी कमांड है बुलेट्स एंड नंबरिंग की। तो ये बुलेट्स और नंबरिंग यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, अभी पीछे हमने लिस्ट में भी इनको चेक कर लिया था, तो ये सेम वही कमांड है, आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। आपको सारे कमांड सेम वही मिलेंगे। फॉर्मेट में अगली कमांड से हमारे पास पेज स्टाइल। तो पेज स्टाइल की सहायता से हम अपने पूरे पेज के ऊपर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजर पहली हेडिंग्स मिलेगी, जिसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं, पेज से संबंधित सारी सेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी कि कौन सा आपने पेज लगा रखा है, इसकी विथ हाइट क्या है, पेज का ओरिएंटेशन पैट्रियट है या लैंडस्केप है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, उसकी मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और एरियाज के अंतर्गत यहाँ पर आप पूरे पेज में कहाँ पर कौन सा कलर यूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से आप हेडर को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप फुटर को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं, और बॉर्डर की यहाँ से स्टाइल भी निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर का जो कलर है वो भी आप निश्चित कर सकते हैं, कौन सा आपको कलर लेना है, और उसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, और यहाँ से उसकी विथेड भी लाइन की आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेज के ऊपर कितने कॉलम्स अप्लाई करना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप चाहे तो फुट नोट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी हाइएस्ट जो हाइट है वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं, उसका कलर भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके करते हैं, तो आप देख पाएंगे जो हमने पेज के ऊपर कलर लिया था वो लग गया है, बॉर्डर लग गया है, और दो कॉलम में कन्वर्ट हो गया है हमारा पेज। तो इसको फिर से नॉर्मल करने के लिए फिर से हमें फॉर्मेट में जाना होगा, उसी तरीके से हमें फिर से पेज स्टाइल में जाना होगा, और यहाँ से हमें फिर से पेज में जाना होगा, एरियाज में जाना होगा, इसे नन करना होगा, ट्रांसपेरेंसी नो ट्रांसपेरेंसी करना होगा, हेड बॉर्डर में चलते हैं तो यहाँ पर इसे नन कर देते हैं, और यहाँ से कॉलम्स में चलते हैं, कॉलम्स वन कर देते हैं, फुट नोट हमने सेम ही रखा था तो ओके कर देते हैं, तो हमारा पेज फिर से सेम पोजीशंस पे लौट आएगा। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है कमेंट्स। तो इंसर्ट से कमेंट्स लगाए जाते हैं, ये पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो हमने कमेंट्स लगाए होंगे उसके फॉर्मेट में चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं, और यहाँ कमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट मिलेगा, तो आप यहाँ से फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट इफेक्ट मिलेगा, तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर जो भी देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पोजीशंस आप यहाँ से पोजीशन सेट कर सकते हैं, और यहाँ से हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो इसका प्रभाव आपको देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, और यहाँ से आप कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप पीछे इस वीडियो में सीख चुके हैं। फॉर्मेट में अगली कमेंट्स हमारे पास है कॉलम। तो जैसे अभी हम पेज स्टाइल के अंदर समझ चुके हैं कि हम अपने पेज पर कॉलम्स लगा सकते हैं, तो हमें अपनी जरूरत के अनुसार कॉलम्स लगाने होंगे। जैसे हम थ्री कॉलम्स पर लिखना चाहते हैं
तो यहाँ थ्री कॉलम्स लिख देते हैं और यहाँ ऑटो विथर्ड को अगर हटा देते हैं तो हम अपने विथर्ड जो इस कॉलम्स के हैं वो अपने आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही ऑटो विथर्ड में रखना है तो उसके ऊपर टिक कर देंगे। और यहाँ पे सेपरेट लाइन अगर खींचना चाहते हैं तो यहाँ से हम लाइन खींच सकते हैं और इसकी विथर्ड यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर कलर लेना चाहे तो यहाँ से कलर भी ले सकते हैं। ओके करेंगे तो आपको इस तरीके से अलग अलग कॉलम्स दिखाई पड़ेंगे और बीच में एक लाइन खींची हुई दिखाई पड़ेगी। इसको फिर से नॉर्मल करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से आपको कॉलम्स में जाना होगा। कॉलम्स में जाकर आपको यहां से वन कॉलम सप्लाई करना होगा और ओके करना होगा तो आपका मैटर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। फिर फॉर्मेट में चलते हैं, आपको अगली कमांड्स मिलेगी वाटरमार्क। तो इसकी सहायता से आप अपने पेज के पीछे एक वाटरमार्क लाइन लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हम लिखते हैं खालसा कंप्यूटर, तो यहां पर आपको फॉन्ट मिलेगा तो आप कोई भी फॉन्ट यूज कर लेते हैं। जैसे हम यहां पर एरियल ब्लैक लगा लेते हैं। यहां पर आपको एंगल मिल जाएगा जो भी आप एंगल में रखना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी कलर कितना रखना चाहते हैं वो वहां से कर सकते हैं और यहां से आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर यहां से आप ले सकते हैं। ओके करेंगे तो आपको ये बैकग्राउंड में इस तरीके से खालसा कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये आपके बैकग्राउंड में ऐसे लिखा रहेगा, आप इसके ऊपर इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इस पेज को आप भर देंगे तो आपको अगले पेज पर भी कुछ इसी तरीके से दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ और इसके ऊपर आप उसी तरीके से फिर से लिख सकते हैं। तो ये हमारा वाटरमार्क है, आप इस तरीके से वाटरमार्क यूज कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है सेक्शन। तो हम इंसर्ट से सेक्शन लगाते हैं जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो सेक्शन लगाने के बाद आप चाहें तो कोई भी लिंक फाइल यहां से ब्राउज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां से उसे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं विद पासवर्ड के साथ। आपको यहां पासवर्ड देने होंगे तो आपकी फाइल प्रोडक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सेक्शंस को यूज कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में अगली कमांड से हमारे पास इमेज है। तो यहां पर हमें जैसे किसी इमेज को इंसर्ट करना होगा तो आप इंसर्ट से भी जाकर यहां से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। टूल बार में भी आपके पास यहां बाहर कमांड्स मिल जाएगी, यहां से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं और यहां पर इमेज पे क्लिक करते हैं और यहां से किसी इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं तो वो इमेज हमारे यहाँ पेज के ऊपर आ जाएगी। इसको सेलेक्ट करते हुए फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ इमेज में जाकर यहाँ पर अगर हम क्रॉप यूज करते हैं तो अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं जैसे इस तरीके से, तो उतनी इमेज हमारी क्रॉप हो जाएगी। फिर फॉर्मेट में चलते हैं, इमेज में अगला हमारा यहाँ पर है एडिट विथ इंटरनल टूल्स। तो इसकी सहायता से आप इस इमेज को फोटोशॉप पर ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से एडिट करके वापस ला सकते हैं कोई चेंजेस करके। यहां से आप रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इस इमेज की जगह आप दूसरी इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप यहां पर दूसरी इमेज सेट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर फॉर्मेट में चलते हैं और इमेज के अंतर्गत आपको यहां पर कंप्रेस मिलेगा। यहां से आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, साइज छोटा कर सकते हैं, यहां से आप इमेज को सेव कर सकते हैं। यहां आपको फिल्टर ऑप्शन मिलेंगे जो फोटोशॉप में यूज किए जाते हैं तो आप इस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्मूथ है, शार्पन है, रिमूव इनवाइस है, रिलीफ है, इस तरीके से आपको इनवाइट कलर्स है, तो ये सारे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएंगे तो आपकी इमेज में जो कलर यूज हुए हैं उनसे संबंधित एक चार्ट मिल जाएगा। तो आप जिस कलर को ज्यादा कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका कलर्स बढ़ा सकते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं तो फिर हमारे पास उसके अगली कमांड से टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स खींच लेते हैं। जैसे हमारे पास ये बॉक्स है तो हम फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स शेप में पोजीशन एंड साइज पे क्लिक करते हैं। तो यहां से अगर हम चाहते हैं तो पोजीशन एंड साइज में हम अपने इस शेप की अगर विड्थ बढ़ाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस तरीके से हाइट बढ़ाना चाहते हैं हटाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहां से हम रोटेट कर सकते हैं, यहां से हम सेलेक्ट कॉर्नर कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर किसी एंगल पे घुमाना चाहते हैं तो उतने एंगल यहां पर कर सकते हैं। ओके करते हैं तो आपको वो इमेज कुछ उसी तरीके से यहां पर मिलेगी। इसकी विड्थ और हाइट आपको यहां से भी इस तरीके से छोटी और बड़ी आप कर सकते हैं। ये कमांड्स आपको यहाँ बाहर भी इस तरीके से यहाँ से भी मिल जाएंगे। ये यहाँ अंदर भी आपको फॉर्मेट के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स एंड स्पेसिंग में पोजीशन एंड साइज में मिल जाएंगे। इसकी जो बाहरी लाइंस है यहाँ पर, उस लाइन को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप उस लाइन को कितना मोटा चाहते हैं, उस लाइन को आप किस कलर में चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ओके करते ही आपको वह लाइन यहाँ खींची दिखाई पड़ेगी। ये सारी कमांड्स आपको यहाँ बाहर भी अवेलेबल होंगी। जैसे आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और ये कमांड वहां भी आपको मिल रही है।
यह टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के अंदर एरिया, आप इस एरिया के अंदर कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं वो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं, ये चीज आपको यहां बाहर भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट में अगली कमांड है फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट। यहां से आप किसी फ्रेम को लिंक कर सकते हैं या अनलिंक कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगली कमांड है नेम। तो जैसे हम इस शेप का कोई नेम रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रख सकते हैं इमेज वन, ओके कर देते हैं। इस इमेज का नाम हम चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाकर हम इसका भी नाम रख सकते हैं इमेज टू। जब आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद नेम पर क्लिक करेंगे तो उस शेप का नेम आपको इस तरीके से दिखाई पड़ा करेगा। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है डिस्क्रिप्शन। तो आप इस इमेज से संबंधित उसका टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं और उससे संबंधित डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो यहाँ पर आप अपना विवरण लिख सकते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ से हम एंकर कमांड्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर टू कैरेक्टर्स पर करते हैं तो देखिए आपका जो इमेज है वो कैरेक्टर के साथ बड़ी आसानी से वर्क कर रहा है। और अगर हम फॉर्मेट में अगली कमांड्स इसमें एंकर में यूज करते हैं एज करेक्टर, तो देखिए आप इस इमेज को जब रखेंगे तो आप जिस भी लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपकी वो लाइंस आगे की तरफ ही बढ़ती जाएंगी, लेकिन इमेज को आप उसके ऊपर नहीं रख पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी सुविधा अनुसार इन्हें यूज कर सकते हैं। तो एंकर में हम टू पैराग्राफ्स कर सकते हैं तो इस तरीके से आप बड़े सुटेबल तरीके से इसे रख पाएंगे। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड्स है रैप। तो रैप के अंतर्गत भी बहुत सी कमांड्स हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से हम यहाँ ले लेते हैं बिफोर, तो देखिए आप जिस तरीके से इसे बढ़ाएंगे उसी तरीके से आपका पैराग्राफ साथ में वर्क करता रहेगा। ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पर भी अवेलेबल मिलेंगी। फॉर्मेट में चलते हैं, इसी में अगली और कोई कमांड्स यूज कर लेते हैं जैसे आफ्टर। देखिए आप इस तरीके से इसके पीछे इधर ये पैराग्राफ्स इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में चलते हैं, इसी में एक ऑप्शन हमें मिलेगा थ्रो। तो थ्रो यूज करते हैं तो इस तरीके से आपको ऐसी सुविधा मिलेगी जैसे आप इसे बड़ी स्मूथ तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं जिससे पैराग्राफ जो लिखे हुए हैं उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद इसे अगर हम बैकग्राउंड में ले जाना चाहते हैं तो रैप में यहाँ से इन बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो देखिए ये हमारे बैकग्राउंड में शेप चला जाएगा। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में हमारे पास अगली कमांड है अरेंज। तो अरेंज की सहायता से हम इमेज जो होते हैं उनको आगे पीछे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इमेज सेट कर लिया है, इसको हम इसके पीछे रखना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अरेंज कर सकते हैं सेंड टू बैक। तो इससे ये वाली इमेज पीछे चली जाएगी और पीछे वाली इमेज ऊपर आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर अरेंज में अगर इसे भी हम बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं तो टू बैकग्राउंड कर देंगे। देखिए ये भी हमारी इमेज टू बैकग्राउंड में सेट हो चुकी है पैराग्राफ के पीछे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इन्हें इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में आपको अगली कमांड्स मिलेगी रोटेट और फ्लिप्स, जिसमें आपको फ्लिप वर्टिकल आप रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप रोटेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप इमेज को बड़ी आसानी के साथ इन पॉइंट्स से रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स आपको रोटेट के अंतर्गत मिल जाएंगे, इन्हें आप बड़ी आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगली कमांड्स है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए जैसे यहाँ पर हम दो शेप यूज कर लेते हैं, जैसे हमने ये दो गोले यहाँ पर खींच लिए हैं, इन दोनों को एक साथ, जैसे ये अलग अलग हैं, इनको दोनों को एक में जोड़ना है तो शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से ग्रुप में जाते हुए अगर हम इसे ग्रुप कर देते हैं तो देखिए दोनों शेप हमारे जुड़ चुके हैं। तो हम एक साथ ही इन दोनों को कहीं पर भी रख सकते हैं और इन्हें फिर से अनग्रुप करने के लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ ग्रुप में जाते हुए अगर इन्हें अनग्रुप कर देंगे तो देखिए अब ये शेप अलग अलग हो चुके हैं, अब इन्हें हम अलग अलग किसी भी जगह पे रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फॉर्मेट मेन्यू के बारे में सीखा है और अगली वीडियो में स्टाइल मेन्यू के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।